नमस्कार, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर आयोजित हुआ व्यापारी सम्मेलन, महापौर ने सरकार की गिनाए उपलब्धियां, व्यापारी का हित भाजपा में सुरक्षित। गोपीगंज नगर के घुरीपुर स्थित एक कालीन प्रतिष्ठान में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के अंतर्गत जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यापारी सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे प्रयागराज के महापौर उमेश चंद गणेश केशरवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के बेमिसाल कार्यकाल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो केवल सत्ता का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि सत्ता के चरित्र का भी परिवर्तन हुआ। व्यापारियों का हित भाजपा सरकार में पूरी तरह सुरक्षित है। एल सरकार व्यापारियों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। एल केंद्र व प्रदेश सरकार हर वर्ग के साथ व्यापारियों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। एल केशरवानी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार व्यापारियों के हित के लिए कार्य कर रहा है। व्यापारियों के दुख सुख में भागीदारी के साथ व्यापारियों के हित के लिए तमाम योजनाएं संचालित की गई है, जिसका सीधा लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। इस दौरान जनपद के व्यापारियों से उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। इसके पूर्व सम्मेलन में पहुंचने पर महापौर का व्यापारियों के साथ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक गगन कुमार गुप्ता ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। एल इस मौके पर भदोही के पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अशोक जायसवाल, गिरीश वर्मा, विनय श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह बघेल, सरिता गुप्ता, बिंदेश गुप्ता, मजहरुल्ला, राधेश्याम गुप्ता, अश्विनी अग्रवाल, बहु सिंह आदि रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपको आंखों देखी खबरें लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। 21 अक्टूबर 1951 से लेकर के आज तक व्यापारी समाज ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम किया है और एक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए सुनने करता है। व्यापारी समाज से हासिल किसी एक वर्ग विशेष जाति से नहीं, जितने भी व्यापारी समाज के लोग हैं, और वास्तव में सबसे ज्यादा जो पहली बार सत्याग्रह बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो निश्चित रूप से व्यापारी समाज को समानन हुआ। उसका कारण यह था कि जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई संस्था किसी का संरक्षण करती है, किसी को आगे ले जाने के लिए आशीर्वाद देती है, और वह जब सफल होता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसको होती है। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ। केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता के चरित्र का भी परिवर्तन, और सत्ता के चरित्र के परिवर्तन के कारण जिस कालखंड की चर्चा कर रहे थे, वो जो 10 वर्ष था वो भारत के लिए बहुत ही निराशाजनक उस समय का उत्पादन। हम जब मानस का नेताओं और राजनीतिक दलों पर से विश्वास सुन लिया, सब लोग ये कहने लगे थे कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल सब एक जैसे, सबका चरित्र एक जैसा है। देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही थी जिससे देश का जो बहुसंख्यक समाज था